हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर श्रेया शर्मा वेलकम करती हूँ आप सभी का एक बार दोबारा से हमारे चैनल न्यूटन मेंडल क्लासेस में। आई होप आपको जो अब तक करवाया गया है वो समझ आ रहा होगा। हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करेंगे कल वाले ही चैप्टर को, बायोमोलिक्यूल्स को। देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मोलिक्यूल्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे। इससे रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स देखी थी, जैसे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइनर एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपको इन टर्म्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं हमारी, या फिर आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हम माइक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट किया था हमने लास्ट के लेक्चर में। माइक्रोमोलिक्यूल्स जिनकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है, स्मॉल साइज के अंदर होंगे। माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने कल स्टार्ट किया था। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं और सैकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन प्रेजेंट होगा वहां पर, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास में तीन आइटम प्रेजेंट होंगे, कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स में ये हमारे पास में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हम शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनका दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट तो एल्डोज, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट तो कीटोज हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के दो नाम क्या हो गए, शुगर हो गए और सैकेराइड्स हो गए। जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2nOn। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। हम मान के चलते हैं हमारे पास ग्लूकोज है, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें क्या बताया, C6H12O6 होता है, यानी कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, सिक्स होते हैं। अब यहाँ फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं, देखो CN, N का नंबर कितना है, कार्बन एटम्स, सिक्स कार्बन एटम, हाइड्रोजन 2 × N, N क्या है फिर से, कार्बन एटम, कार्बन एटम कितने हैं, सिक्स, सिक्स हो गया, ऑक्सीजन N फिर से कार्बन एटम एंड ये सिक्स हो गया। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारे पास, C6H12O6, ये क्या है हमारे पास में, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम सैकेराइड्स बोलते हैं, हम थ्री पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, इनकी यूनिट देख के, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है उस बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मोनोसैकेराइड, ठीक है, सेकंड ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं, ज्यादा यूनिट होती है, बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है, और ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होगा, 2 to 6 हमारे पास में मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती है किसी भी ओलिगोसैकेराइड में। और मोनोसैकेराइड में क्या होता है, सिंगल यूनिट प्रेजेंट होगी हमारे पास, और वो सिंगल यूनिट में कार्बन नंबर जो है, कार्बन एटम का नंबर वो वेरी कर सकता है। अगर तीन कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ट्रायोज। ट्रायोज शुगर का एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड, ट्रायोज शुगर का एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड। चार कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रोज। पांच कार्बन एटम प्रेजेंट है, पेंटोज। छह कार्बन एटम प्रेजेंट है, हेक्सोज। देखो पेंटोज में जो हमारे लाइफ के अंदर, हमारे सर्वाइवल में रिक्वायरमेंट होती है, हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर आती है, ठीक है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर आते हैं। हेक्सोज में कौन आता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये किस बेसिस के ऊपर है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उस बेसिस के ऊपर हमने मोनोसैकेराइड्स को अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर कीटोन ग्रुप होता है तो कीटोज बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो एल्डोज बोलते हैं। अब हम देखते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो जितने भी हमारे शुगर्स होती हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी फॉर्म, एक तो होती है ओपन चेन फॉर्म, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज रिंग फॉर्म। सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास में, रिंग फॉर्म। दो फॉर्म होंगी, कौन कौन सी,
ओपन चेन फॉर्म एंड रिंग फॉर्म। ओपन चेन देखो, सिक्स कार्बन एटम अरेंज करने हमें, 1 2 3 4 5 6, सिक्स कार्बन एटम अटैच कर दिए। पोली हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है ओएच ग्रुप, यानी कि हमें बहुत सारे ओएच ग्रुप देने हैं। जो हमारी ग्लूकोज होती है वो कैसी शुगर है, एल्डोज शुगर है। ग्लूकोज कैसी है, एल्डोज शुगर है, यानी कि यहाँ हम एल्डिहाइड ग्रुप बना देंगे। ये सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है सी एच ओ, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर कोई फोर्थ बोन बनाने की, फिफ्थ बोन बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि चार बन चुके हैं। कार्बन एक टेट्रावेलेंट एटम होता है। ठीक है, अब देखो OH OH देते चलेंगे, OH 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 पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप दे रहे हैं OH। अब जितने भी पोजीशंस हमारे पास में वैकेंट है, जितने भी बॉन्ड्स बन सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम अटैच करवा देंगे। यहाँ क्या किया हमने, हाइड्रोजन एटम से अटैच करवा दिए। देखो कार्बन की चार वैलेंसी, चार वैलेंसी, चार वैलेंसी, सारे कार्बन की चार बॉन्ड बन चुके हैं। ये हमारे पास में ग्लूकोज की ओपन फॉर्म है, यानी कि ओपन चेन फॉर्म। अब इस ओपन चेन फॉर्म से रिंग फॉर्म बनानी है, तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ जाके इस वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सेकंड वन जो कार्बन है हमारे पास, इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। देखो सेकंड वन कैसे होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, सेकंड वन मैंने नीचे से बोला है, लेकिन अगर इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो कौन सा कार्बन एटम है, फिफ्थ कार्बन एटम है। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं नॉमेनक्लेचर, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास में ग्रुप प्रेजेंट है उस ग्रुप को हम फर्स्ट नंबर देते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट ने फिफ्थ के साथ में जैसे ही बॉन्ड बनाई, तो हमारे पास ये इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर बनती है। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। इस रिंग के अंदर हमारे पास में पांच कार्बन एटम हुए, सिक्स कार्बन एटम हमारा बाहर रह चुका है। ये वाला कार्बन एटम कहाँ है, बाहर है। तो देखो जो सिक्स कार्बन एटम है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ सी एच टू ओ एच। बाकी कार्बन, ये जो पॉइंट अटैच है कार्बन को डिनोट कर रहे हैं। अब क्या बचा है हमारे पास में, ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच एच ओ एच। देखो जो सेकंड पोजीशन है ना, इस पे एच ऊपर होगा, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अल्फा है या बीटा है उसके हिसाब से हम ओ एच की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये कैसी है, एक फाइव मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर पांच कार्बन इन्वॉल्व है और सिक्स कार्बन कहाँ है हमारा, बाहर प्रेजेंट है, रिंग के बाहर प्रेजेंट है। तो इस टाइप की जो रिंग होती है इसको हम बोलते हैं पायरानोज रिंग। ग्लूकोज कौन सी रिंग बनाता है, पायरानोज रिंग बनाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्रक्टोज कैसी रिंग बनाता है। ये हमने किसकी की, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की। अब हम देखेंगे फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज भी क्या है हमारे पास में, एक हेक्सोज शुगर है। ठीक है, यानी कि छह कार्बन एटम वहां प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन ग्लूकोज से क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर ये एक टाइप की कीटोन शुगर है, यानी कि इसके पास में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। और कीटोन ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडिल पोजिशन के अंदर, जो हमारे अंदर वाले इंटरनल कार्बन एटम से वहां प्रेजेंट होता है। और जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हमेशा टर्मिनल एंड्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ दे दिया इसको कीटोन ग्रुप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो क्या लाना है, पॉलीहाइड्रोक्सी, OH 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 OH। ठीक है, OH ग्रुप लगा दी, यहाँ पर भी एक OH ग्रुप दे दिया। अब बची हुई पोजीशंस पे हाइड्रोजन अटैच करवा देंगे। बची हुई पोजीशंस पे क्या किया, हाइड्रोजन की अटैचमेंट करवा दी है। अब देखो यहाँ भी नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो हमारा ग्रुप प्रेजेंट है वो इस साइड में प्रेजेंट है। अब देखो ये वाला, इसमें भी सी डबल बॉन्ड ने बॉन्डिंग की थी इसके साथ, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड बॉन्डिंग करेगा इस कार्बन एटम के साथ में। जैसे ही यहाँ इसने बॉन्डिंग की, इस बार हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी रिंग फॉर्म की वो कैसी बनेगी, इस तरीके की हमारी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, छह पोजीशन बनानी। तो हमारे देखो इस रिंग के अंदर ये पोजीशन नहीं आ रही है। ठीक है, और एक ये कार्बन एटम की पोजीशन वाला ग्रुप नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को हमने बाहर रख दिया, CH2OH CH2OH। बाकी सारे कार्बन ये आ चुके हैं। अब क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन और OH, HOH OH H एंड H। ये हमने पोजीशंस फिक्स कर दी हैं, और ये फिक्स करने के बाद जो रिंग बनी है, इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज रिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूरानोज रिंग। ये हमारे पास में मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल थे हेक्सोज शुगर के। ऐसे हम राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। राइबोज में कितने होते हैं हमारे पास में, पांच कार्बन एटम होते हैं। तो जो उसकी रिंग फॉर्म बनेगी वो कैसे बनेगी, पांच कार्बन एटम की, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये हमारी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज की शुगर की पोजीशंस हो जाएंगी, फिक्स पोजीशन होगी।
रिकर्सिव फॉर्म होगी, रिंग फॉर्म होगी। ये हमने क्या कंप्लीट किया, मोनोसेकेराइड्स के बारे में कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। देखो सबसे पहले इनकी यूजेस क्या है, सॉरी इनके यूजेस क्या है, जो हमारे पास में मोनोसेकेराइड्स है, स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है उसके प्रोडक्ट से, ये ग्लूकोज क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। ये मोनोसेकेराइड यूनिट से क्या करेंगी, बाद में पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगी, यानी कि कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल बनाने में रोल प्ले करती है, मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगी, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में काम करती है, बॉडी बिल्डिंग में काम करेंगी। ये हमारे पास में क्या थी, जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स थी उनके यूजेस थे। अब हम देखेंगे ओलिगोसेकेराइड्स। देखो ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में 2 to 6 नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो यूनिट से मिलकर बनता है। माल्टोज दो ग्लूकोज यूनिट के मिलने से बनता है। तो चलो देखते हैं, अब हम देखेंगे कि ओलिगोसेकेराइड्स क्या होती है। देखो ओलिगोसेकेराइड मैंने आपको बताया कि 2 to 6 यूनिट्स प्रेजेंट होंगे किसकी, मोनोसेकेराइड की। अगर वहां पर 2 to 6 यूनिट्स प्रेजेंट है किसी भी मोनोसेकेराइड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड्स। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। अगर 3 यूनिट्स प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। 4 है तो टेट्रासेकेराइड हो जाएगा, 6 है तो हेक्सासेकेराइड टाइप का हो जाएगा, और उससे ज्यादा 6, 7, 8 तक, अगर 8 तक चला जाता है उसके बाद में क्या, कौन सी आ जाएगी हमारे पास में, पॉलीसेकेराइड्स, मैक्रोमोलिक्यूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो डाइसेकेराइड के हमारे पास में एग्जांपल है लैक्टोज शुगर, माल्टोज शुगर एंड सुक्रोज शुगर, 3 हमारे पास में डाइसेकेराइड्स है। ट्राइसेकेराइड्स रेफिनोज, ट्राइसेकेराइड्स क्या है, रेफिनोज। हमारे सेल्स में सिर्फ लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज यानी कि डाइसेकेराइड्स तक हमें लिमिटेड किया गया है। तो हम देखेंगे डाइसेकेराइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो जो हमारा माल्टोज होता है, जो हमारा माल्टोज है, इसको हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, माल्ट शुगर। माल्टोज को हम क्या बोलेंगे, माल्ट शुगर बोलेंगे, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलेगी, जो भी हमारे माल्ट टाइप के फ्रूट्स होंगे उनसे हमें मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या, ये जो हमारी स्टार्च होती है, जब उस स्टार्च के ऊपर एंजाइम अमाइलेज, स्टार्च के ऊपर एंजाइम अमाइलेज एक्ट करेगा, तो वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसमें, डाइसेकेराइड यूनिट्स में। और कौन सी डाइसेकेराइड यूनिट्स, माल्टोज के अंदर। अब ये माल्टोज में क्या है, डाइसेकेराइड यानी कि 2 यूनिट प्रेजेंट, किसकी 2 यूनिट प्रेजेंट है, 2 ग्लूकोज की यूनिट प्रेजेंट है, 2 ग्लूकोज की। देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आप लोगों ने कैसे बनाई, पायरानोज टाइप की रिंग बनेगी यहाँ पर, ये कैसी है, पायरानोज टाइप की रिंग है यहाँ पर। देखो ये फर्स्ट पोजीशन होती है, ये सेकंड होती है, थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है, फिफ्थ होती है, सिक्स्थ कार्बन बाहर चला जाता है। ये हम इनकी पोजीशंस पे अटैच करवा लेंगे। क्या करते हैं, यहाँ एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच एच ओ एच, सी एच टू ओ एच और एच, ठीक है। ऐसा ही हमने यहाँ पे किया, एच ओ एच, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एच ओ एच, ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड नंबर पोजीशन, एच ओ एच। क्या हमारे पास में कार्बन के पास में एच और ओ एच ही प्रेजेंट थे, इनके जब हम रिंग फॉर्म बना रहे थे तो वही हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं, सी एच टू ओ एच, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, एच और ओ एच। देखो जो 2 ग्लूकोज यूनिट है इसकी ये फर्स्ट पोजिशन हो गई, और अगर हम दूसरे वाले की देखें तो ये कौन सी पोजिशन हो गई, फोर्थ पोजिशन हो गई। तो जो हमारा माल्टोज होता है वो हमारे 2 ग्लूकोज यूनिट के फर्स्ट और फोर्थ पोजिशन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तब उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन से हमारे पास माल्टोज बनेगा। और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो H2O मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो चुका है, वाटर लॉस हो चुका है, कंडेंसेशन या वाटर लॉस हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, α-1-4 bond। अब ये α-1-4 जो बॉन्ड है 2 ग्लूकोज यूनिट के बीच में प्रेजेंट है, तो जो ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बॉन्ड का कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, α-1-4 glycosidic बॉन्ड। 2 ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में जब α-1-4 glycosidic बॉन्ड होगा, देखो 1 और 4 क्या है, इनकी पोजिशन के नाम है, और ये जो बॉन्ड है इसको हम 2 ग्लूकोज के बीच में हो रहा है, 2 कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये माल्टोज के बारे में हो गया, ठीक है। माल्टोज के बारे में अब हम देखेंगे लैक्टोज। देखो लैक्टोज क्या होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज,
दो मोनोसेक्राइड यूनिट है, कौन कौन सी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से, जैसे हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में अगर हम OH को नीचे लिख रहे हैं तो गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर में OH ऊपर चला जाता है। देखो ये क्या है, हम इधर गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बाकी सारे के सारे पोजिशन पे एटम सेम है, ठीक। यहाँ हमने OH इधर ऊपर रखा और ये H नीचे रखा, ये क्या है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज की रिंग फॉर्म है। और यहाँ हमारी कौन सी फॉर्म हो गई ग्लूकोज की, ग्लूकोज में फोर्थ पोजीशन जो ये फर्स्ट पोजीशन है और इस ये फोर्थ पोजीशन, यहाँ पर चेंज होता है OH और H के डिफरेंस होता है, ये OH और H, ठीक है। अब जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, देखो ये बॉन्ड में इस तरीके से बनेगा, कैसा हो जाएगा ये दिखने में, H यहाँ से बॉन्ड बन चुका है और एक ऑक्सीजन आ चुका है, क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो निकल चुके हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के निकलने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा और ये दोबारा से यहाँ ऊपर क्या प्रेजेंट है अपना हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये अपनी दोबारा से ये इधर रिंग हो गई, ठीक है, रिंग की फॉर्म हो गई। तो ये टाइप का जो बॉन्ड है जो स्लेंट हाइट में आता है, थोड़ा सा तिरछा आता है, इसको हम बोलते हैं बीटा बॉन्ड। कैसा है ये बीटा बॉन्ड, कौन कौन सी पोजीशन, फर्स्ट और फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फोर्थ। फर्स्ट किसकी पोजीशन है गैलेक्टोज की, फोर्थ पोजीशन किसकी है ग्लूकोज की। तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के बीच में, जब फर्स्ट गैलेक्टोज की एंड फोर्थ पोजीशन किसकी है ग्लूकोज की, जब बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, लैक्टोज की फॉर्मेशन होगी। लैक्टोज किस में मिलता है, मिल्क में मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मिल्क शुगर बोलते हैं। अच्छा, जो हमारे माल्टोज और लैक्टोज होते हैं, ये दोनों कैसे टाइप के शुगर हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इसे रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही शुगर जब एक सॉल्यूशंस होते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन एंड बैंडेड सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशंस को रिड्यूस करवाने का काम करती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ना, उसी तरीके से ये शुगर्स क्या करेंगे रिड्यूस करवा देंगे सॉल्यूशंस को। सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन प्रेजेंट होता है, उस कॉपर आयन को रिड्यूस करवा देंगे। तो इन दोनों शुगर्स को हम क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जो हमारी सुक्रोज होती है उसको हम क्या बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। अब देखो जो हमारी सुक्रोज है वो किस किस से बनती है, जो हमारी सुक्रोज है वो सुक्रोज किससे बनेगी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके क्या बनेगी, जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास में सुक्रोज बनेगी। सुक्रोज हमें शुगर केन से मिलती है, तो इसको हम केन शुगर भी बोल सकते हैं। ये एक नॉन रिड्यूसिंग टाइप की शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग क्यों, क्योंकि ये फैलिंग सॉल्यूशन और बैंडेड जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें कॉपर आयन को रिड्यूस नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो चुकी है। फ्रक्टोज की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसको हमें ग्लूकोज के साथ में अटैच करवाना है, तो हम यहाँ मिरर लगा देंगे। मिरर लगाते ही क्या हो जाएगा, ये पलटी मार जाएगा, यानी कि हमें मिरर के अंदर जो चीज है वो यहाँ से दूसरी तरफ से दिखाई देगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर चार ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ये मिरर में देखूंगी तो मुझे इस तरीके का दिखाई देगा, यानी कि वहां वाली पोजीशन यहाँ आ चुकी है। अब ये जो सेकंड पोजीशन होती है, ये सेकंड पोजीशन यहाँ आ जाएगी, इस साइड में आ जाएगी, यानी कि जब ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज बाइंड करेगा तो कैसे बाइंड करेगा, ये कौन सी पोजीशन होगी उसकी, सेकंड कार्बन की पोजीशन होगी, ठीक है। यहाँ पर अपना CH2OH होता है फ्रक्टोज के अंदर, दो पायरफ्यूरोनोज टाइप की रिंग है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, ठीक है, क्या रिलीज हो जाएगा H2O रिलीज हो गया, ठीक है। H2O रिलीज होते ही ये क्या था अपने पास में ग्लूकोज, ये क्या था फ्रक्टोज, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है। कैसी बॉन्डिंग है, अल्फा बॉन्डिंग है, किस किस के बीच में, फर्स्ट पोजीशन तो हमारे ग्लूकोज की एंड सेकंड पोजीशन किसकी, हमारे फ्रक्टोज की। जब दोनों बाइंडिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा सुक्रोज बनेगा, क्या बनेगा सुक्रोज बनेगा। सुक्रोज क्या है, शुगर केन से मिलती है, केन शुगर बोल सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग टाइप की ये शुगर होगी। तो आज हमने क्या देखा कि डाइसेक्राइड्स, जो स्पेशली एक ऑलिगोसेक्राइड का टाइप है, उसके बारे में देखा कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, कौन कौन सी मोनोसेक्राइड यूनिट्स यहाँ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड्स भी क्या होते हैं, एक तरीके के माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, इसी तरीके से जब हम अमाइनो एसिड्स की बॉन्डिंग करवाएंगे तो पहले तो हमारे पास क्या बनेगा एक मैक्रो मॉलिक्यूल, उस मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, पेप्टाइड चेन, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अमाइनो एसिड्स की बॉन्डिंग से क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन फॉर्म होगा। कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं।
तो जो अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या वहां कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको बायो मॉलिक्यूल्स में यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भेज दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।